तो अगर आपका भी गूगल क्रोम वर्क नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्रैश हो जा रहा है, या फिर आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ओपन ही नहीं हो पा रहा, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो 101% मैं गारंटी देता हूं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को, आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त हो रहा है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना है, जो आपका फोन की सेटिंग है आपको इस पर टैप कर देना है, जिसके बाद आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, यहां पर आपको मैनेज एप्स वाला ऑप्शन देखना है, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहां पर जितने भी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। आप यहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए गूगल क्रोम को सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ही आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है जहां से आप इस पर टैप करने के बाद आसानी से गूगल क्रोम को सर्च कर सकते हैं। आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्रोम आपको टाइप कर देना है, जिसके बाद क्रोम आपको मिल जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नीचे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल अपडेट, क्लियर डाटा। आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और यहां से आपको मैनेज स्पेस पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको करना है इसका क्लियर ओल्ड डाटा। उसके बाद दोस्तों आप ऑटोमेटिकली बैक आ जाएंगे। फिर आपको यहां से इसको फोर स्टॉप करना है, डाटा यूसेज पर क्लिक करना है। आपको यहां पर ये 3 ऑप्शन देखने हैं, अगर ये डिसेबल हो रखे हैं तो इनको इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज भी चेक करना है, अगर ये मोबाइल डाटा यहाँ से अनटिक है तो इसको टिक करना है, ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद आप इसकी परमिशन भी देख लीजिएगा, अगर यहाँ से परमिशन यहाँ से डिसेबल हो रखी है तो आपको यहाँ से इनको अलाउ कर देना है। ये सभी परमिशन अलाउ कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बिल्कुल बैक आना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा गूगल क्रोम और यहाँ पर आपको चेक करना है कहीं आपको यहाँ पर अपडेट तो देखने को नहीं मिलती है कुछ इस तरह से। अगर आपको यहाँ पर अपडेट आती है तो आपको अपने गूगल क्रोम को यहाँ से अपडेट कर लेना है। बस दोस्तों सिर्फ आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद आप यहाँ से बैक आएंगे और आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, जिसके बाद जो आपका गूगल क्रोम है वो ईजिली ही ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं होगी। अगर फिर भी आपका गूगल क्रोम ओपन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस हो रही है, तब आपको यहाँ अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ से अपने गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कर देना है और दोबारा से अपने गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेना है, जिसके बाद गाइज 100% जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन होने वाला है। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या वीडियो की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।